अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं ये एक आईआर रिसीवर है और इसका मॉडल है HW484। बहुत सिंपल है, इसमें एक आईआर रिसीवर लगा हुआ है और यहाँ पे एक कंपैरेटर आईसी है, ओपैम है और ये एक पोटेंशियोमीटर है। अगर हम कोई फ्लेम डिटेक्टर बनाना चाहते हैं या फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इस मॉड्यूल से हम बना सकते हैं। और जब ये फ्लेम डिटेक्ट करता है, इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता है, तो आउटपुट में ये सिग्नल दे देता है और उसको फिर हम ट्रांजिस्टर के थ्रू आगे रिले को कंट्रोल करवा सकते हैं या किसी माइक्रो कंट्रोलर को भी दे सकते हैं या कोई भी किसी भी हम पैनल को दे के तो इससे आउटपुट ले सकते हैं और आगे हम जो फायर सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये 3.7 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक काम करता है। ये पॉजिटिव है, ये ग्राउंड है, ये एनालॉग आउटपुट है और ये डिजिटल आउटपुट है। एनालॉग आउटपुट का मतलब यह है कि जितनी आईआर की इंटेंसिटी होगी उसके हिसाब से ये आउटपुट में वोल्टेज है वो देगा। और डिजिटल आउटपुट का मतलब यह है कि या ऑन या ऑफ। डिजिटल आउटपुट में ये पॉजिटिव देता है, जबकि जो एनालॉग आउटपुट है ये नॉर्मल पॉजिटिव होता है और जब ये ट्रिगर होता है, एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव वोल्टेज आ जाते हैं। और ये एक पोटेंशियोमीटर है, इससे हम इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो चलिए इसको टेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम फ्लेम डिटेक्टर बनाना चाहते हैं या फायर का कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये भी इससे बना सकते हैं। मॉडल इसका HW484 है। तो व्यूअर्स, ये थे आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।